देखो साइक्रोनिक आपने वो बताया था ना कि उसमें से चेंज होता है कोई लैंग्वेज में, पर वो पर्टिकुलर फिर टाइम फ्रेम में टाइम फ्रेम में जो चेंजेस आते हैं वो सिंक्रोनिक होते हैं। डाइक्रोनिक के अंदर हिस्टोरिकल पूरा ओवरऑल चेंज देखा जाता है। सिमिलरली दो और हैं इसमें, सिंटेग्मैटिक और पैराडिग्मैटिक। ठीक है, सिंटेग्मैटिक क्या होता है? सिंटेग्मैटिक होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर के बेस पे जो चेंज। ठीक है, अभी ठीक है? हेलो, अभी ठीक है बस? सिंटेग्मैटिक होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर के बेस पे। सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आते हैं उन्हें बोलते हैं सिंटेग्मैटिक। सिंटेक्स, सिंटेक्स से सिंटेग्मैटिक। ठीक है, और हाँ, वो होता है सिंटेग्मैटिक के अंदर। पैराडिग्मैटिक जब हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, उसे बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। जब वर्ड्स के बेस पे चेंज कर करके हम सेंटेंस उसके मीनिंग के साथ चेंजेस करते हैं तो उन्हें बोलते हैं पैराडिग्मैटिक चेंज। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट आएगा सिंटेग्मैटिक और पैराडिग्मैटिक के बाद आपका फर्डिनेंड सॉसर जो है वो मेन इन्हीं चीजों पे फोकस करता है। उसके बाद आता है उसका सेमियोटिक्स। ये जो था, देखो मैंने आपको बताया था कि उसकी जो थ्योरी चलती है तो उसकी थ्योरी में मैंने कितनी चीज बताई थी, सिमेंटिक, सेमियोटिक, लैंग एंड परून। ठीक है, तो सेमियोटिक्स जो है वो भी रह गया है। हमने क्या करा, ये जो है आपका सिंटेग्मैटिक, पैराडिग्मैटिक, डाइक्रोनिक, सिंक्रोनिक, ये कौन से चेंजेस हैं? सिमेंटिक चेंजेस। ये बेसिकली इसके क्या कहलाता है, ये कहलाता है सिमेंटिक डेवलपमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिमेंटिक, SEMAN, सिमेंटिक। सिमेंटिक मतलब ओवरऑल लैंग्वेज में जो चेंजेस या जो भी अपडेटेड अपडेशन आते हैं उन्हें बोलते हैं सिमेंटिक चेंजेस। अब आते हैं सेमियोटिक्स, तो ये आपका कहलाएगा सेमियोटिक्स। हाँ, सेमियोलॉजी, जिसके अंदर हम साइन सिस्टम को समझेंगे कि हर शब्द के पीछे एक साइन होता है। जैसे मैंने बोला ट्री, तो आपके दिमाग में ट्री का सिंबल आ जाएगा। मैंने बोला पेन, तो आपके दिमाग में एक पेन का सिंबल आ जाएगा। मतलब कि एवरी साउंड हैज अ साइन विद इट। एवरी अल्फाबेट का जो ये कोड बनता है जिसे हम वर्ड बोलते हैं, तो एवरी सिस्टम ऑफ द कोड हैज अ साइन विद इट। ठीक है, जैसे हम हिंदी में बोलेंगे पानी, तो हमें पता है कि व्हाट वी आर आस्किंग। जल बोलेंगे तो भी हमें पता है, पेड़ बोलेंगे तो भी पता है, पौधा बोलेंगे तो भी पता है। तो उस हिसाब से ही इमेजेस हमारे दिमाग में आते हैं, उसको बोलते हैं सेमियोटिक्स। अगर ये सेमियोलॉजी जिसमें साइन है वो प्रॉपर लैंग्वेज या प्रॉपर तरीके से जो ट्रांसमिशन है इसका या जो ट्रांसपोर्ट है इस साइन का, अगर वो सही है तो द पर्सन हु इज लिसनिंग, हु इज रिसीविंग द मैसेज विल गेट सिग्निफाइड। आ रहा है समझ में? देखो मैंने एक वर्ड बोला लाइक वॉटर, तो ये वॉटर क्या है? वॉटर इज अ साइन है ना, ये साइन है। अब इसको बोलने के लिए मैंने क्या यूज करा? वॉइस। तो ये वॉइस क्या है? सिग्निफाइड। और मैंने किसको बोला? आपको बोला। व्हेन यू गेट द मीनिंग ऑफ वॉटर तो यू गॉट सिग्निफाइड। और अगर आपको वो वॉटर वर्ड का मतलब ही नहीं पता तो यू आर नॉट, इसका मतलब आपका लैंग्वेज अलग है। गॉट इट? ये है थ्योरी ऑफ साइन, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। हाँ, वी आर सिग्निफाइड। तो वो हर वर्ड का हर लैंग्वेज में अलग मीनिंग हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि हम उसको समझे ही समझे, है ना। अब हम बोल रहे पेड़, पेड़ का मतलब हमारे यहाँ पे हिंदी में क्या मतलब है? पेड़, ट्री। एंड इफ आई एम सेइंग इंग्लिश में बोल रहे हैं पेड़, तो मींस PAID पेड़ नहीं है, आई हैव पेड माय फीस, है ना। तो शब्द एक ही है लेकिन इसके मीनिंग अलग अलग हुए ना दो अलग लैंग्वेज में। दैट इज द सिग्निफाइड। द सिग्निफाइड जो मीनिंग लास्ट में निकलता है दैट इज आर्बिट्ररी, हर लैंग्वेज का अलग होगा। सेंसलेस है, लॉजिकलेस है। बस हमने इन वर्ड्स को बना के समझ लिया है अपनी अपनी भाषाओं में, लेकिन इनका मीनिंग किसी लैंग्वेज में कुछ और किसी लैंग्वेज में कुछ और हो सकता है। गॉट इट? लॉजिकलेस, ये देखो कॉन्सेप्ट है, उसके साथ साउंड, इमेज है। हमने जो बोला उसकी इमेज है। आपने बोला आर्बर, दैट इज अ दिस काइंड ऑफ ट्री, तो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट यू आर सिग्निफाइड, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट यू आर नॉट
सिग्निफाई, ठीक है, उसके लिए नहीं है ना वर्ड। अब आप यहाँ पे हिंदी बोलो, आपके सामने फ्रेंच बंदा खड़ा है तो वो आर्बिट्ररी हो गया ना, बट यू आर सेइंग यू आर नॉट, ही इज नॉट गेटिंग, बट ही इज सेइंग यू आर नॉट गेटिंग, ठीक है। अब आता है इसका पीडियोलॉजी, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होती है। इसमें देखो फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग का है, ये बेसिकली ये वाला पार्ट जो है वो यूनिट 10 का होता है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ELT का पार्ट, ठीक है। वो मैंने इसमें ऐड इसलिए कराया अभी क्योंकि यूनिट 10 का रिसर्च मेथोडोलॉजी का पता नहीं है कि आएगी या नहीं आएगी, तो मैं एटलीस्ट आपको लिंग्विस्टिक्स के साथ ELT करवा दूँ, ठीक है। इसे समझ लेना कि ELT क्या है। अब इसमें करना क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है कि हमें इसमें क्या करना है। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे वर्ड कंस्ट्रक्शन क्या है, फोनोलॉजी क्या है, फोनेटिक्स कैसे बनते हैं, वर्ड्स कैसे बनते हैं, उन्हें प्रोनंसिएशन कैसे करते हैं। लेकिन हमारे कोर्स में ये सब कुछ नहीं आता, हम लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स नहीं है, हम लिटरेचर के स्टूडेंट हैं। मॉर्फोलॉजी, फोनेटिक्स, सिंटेक्स डेवलपमेंट हमारे में नहीं आता, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग जो थ्योरी पढ़ेंगे इसके साथ, हम पढ़ेंगे जनरल अप्रोच ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। एक लैंग्वेज को सीखने के लिए कौन कौन सी कॉमन अप्रोचेस होती है, हम उसे पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, इननेटिज्म। इननेटिज्म मतलब इनबॉर्न क्वालिटी, इनबॉर्न क्वालिटीज, जो क्वालिटीज बर्थ के साथ आपके साथ आई है, दैट इज कॉल्ड इनबॉर्न क्वालिटीज, ठीक है। हाँ, तो ये सब लोगों के जितने भी अभी तक के स्कॉलर्स हैं उन सबका या रिसर्चर्स हैं उन सबका ये मानना है कि लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ इनबॉर्न क्वालिटी विद द स्टूडेंट, या ह्यूमन बींग की ये इनबॉर्न क्वालिटी है कि जो इंसान है, ह्यूमन है, वो या तो लैंग्वेज खुद बना लेगा या वो सीखेगा ही सीखेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इननेटनेस हाइपोथेसिस, जो किसकी है, नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनका नाम अपने इसमें हाईलाइट कर लो, ये पढ़ना है नॉम चॉम्स्की आपको, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे जॉन लॉक की एक थ्योरी है टेबुला रासा, जो इंग्लिश राइटर है, मैंने आप लोगों को करवाया भी था इनका, कि ह्यूमन माइंड जब बच्चा पैदा होता है तो ही इज इन अ ब्लैंक स्लेट, उसका दिमाग खाली होता है, उसके सामने जैसी लैंग्वेज यूज होगी, जैसी भाषा आप बोलोगे, जो बात आप करोगे, वो उन्हीं वर्ड्स को पकड़ पकड़ के आपका सीखता चला जाएगा। आप जिसको बोलोगे वो उसको मम्मी बोलेगा, जिसको बोलोगे उसे पापा बोलेगा, वो अभी लॉजिक नहीं लगा सकता, दैट इज अ ब्लैंक स्लेट, जैसा आप चाहोगे वो वैसा बन जाता है। दैट इज द जॉन लॉक थ्योरी ऑफ टेबुला रासा। और नॉम चॉम्स्की का ये कहना है कि ह्यूमन माइंड लैंग्वेजेस सीखने के लिए बना है, हमारा राइट साइड ऑफ माइंड में वो कैपेबिलिटीज होती है कि एक इंसान मल्टीपल लैंग्वेज सीख के भी उसमें काम करता है, ठीक है। नॉम चॉम्स्की का है इननेटनेस हाइपोथेसिस, उसका मतलब है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप इनबॉर्न क्वालिटी को यूज करते हो फॉर लर्निंग, आया हुआ है ना इसका, हाँ, तभी तो इसमें मिक्स कर दिया ना जो आपकी ELT का था, मैंने कहा वो पता नहीं यूनिट आएगी नहीं आएगी, पर ये तो जरूर आएगा। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन सोशल इंटरैक्शनिज्म, जब हम सोशल इंटरैक्शन करते हैं, मतलब दूसरा लैंग्वेज सीखने का तरीका क्या है, एक तो आपने घर में सीखी, अब मैं यहाँ हरियाणा से, ठीक है, मैं रह रही हूँ मुंबई में, मेरी फैमिली कहाँ रह रही है, मुंबई में या पुणे में, महाराष्ट्र में रह रहे, तो मैं यहाँ पे घर में क्या सीख रही हूँ, हिंदी सीख रही हूँ, स्कूल में क्या सीख रही हूँ, इंग्लिश भी सीख रही हूँ, और उसके साथ साथ अब यहाँ पे बच्चे क्योंकि मराठी में बात कर रहे, तो सोशल इंटरेक्शन के लिए मैंने क्या सीख ली, मराठी भी सीख ली, है ना, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन वो लोग आपस में मराठी में बात करते हैं, तो उनकी भाषा समझने के लिए, उनकी बातें समझने के लिए मैंने उनकी लैंग्वेज सीखी, दैट इज द लैंग्वेज विच वी अक्वायर आउट ऑफ सोशल इंटरेक्शनिज्म, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हर्बर्ट ब्लूमर ने इसे बोला है सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म, हम उसमें कैसे सीखते हैं, सिम्बॉलिक, इस वर्ड को ये बोला गया, इस वर्ड को ये बोला गया, राइट, दैट इज कॉल्ड हर्बर्ट ब्लूमर्स एक्सपेंडेड द मीड्स वर्क एंड कॉइंड द टर्म सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। ये टर्म किसने दी थी, ये रिलेटिविटी थ्योरी है, ये है जॉर्ज हर्बर्ट मीड की थ्योरी है, जिसने यहाँ पे बात करी है प्रैग्मेटिज्म की। प्रैग्मेटिज्म क्या होता है, प्रैग्मेटिज्म होता है लर्निंग समथिंग फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, ठीक है,
ये किसके बीच में आता है, नेचर एंड नर्चर, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, नेचर एंड नर्चर, दैट मींस व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग इन योर नेचुरल सराउंडिंग्स, दैट इज कॉल्ड प्रैग्मेटिज्म। और हर्बर्ट ब्लूमर ने इसी वर्क के लिए, इसी चीज के लिए क्या टर्म निकाला है, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? कोई बात नहीं, पढ़ो, कुछ आएगा तो बताइए। अब आता है नेक्स्ट थ्योरी, क्या है, बिहेवियरिज्म बाय स्किनर। इस पे क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है ये, और इन्होंने बात करी है बिहेवियरिज्म की, दैट इज विद योर बिहेवियर, विद योर इंटरेक्शन फ्रॉम योर विद योर सराउंडिंग्स, अ पर्सन यूज टू रेसिप्रोकेट और यूज टू रिएक्ट, गिव अ रिएक्शन विद एनवायरमेंट ही इज लिविंग, एंड दैट इज हाउ ही यूज टू लर्न द कम्युनिकेशन एंड language, that is called behaviorism. Got it? Behaviorism, हम अपने आसपास के environment के साथ कितना घुलते मिलते हैं, कैसे घुलते मिलते हैं, कौन कौन से शब्द हम नए सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके मीनिंग निकाल रहे हैं, तो हम कई बार बहुत लैंग्वेजेस के वर्ड से इंटरेक्ट करते हैं और उनका सिंबल निकाल लेते हैं अपनी लैंग्वेज के वर्ड से। तो अगर कोई कह रहा है कुछ तो हम उसे समझ तो लेते हैं, बट वी यूज टू कम्युनिकेट इन आर ओन लैंग्वेज। जैसे कि कोई पंजाबी में बात कर रहा है, उसकी बात समझ में आ गई, हमने हिंदी में ही जवाब दे दिया, दैट इज बिहेवियरिज्म। वी आर एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज बट बिकॉज वी आर नॉट पॉजिटिव अबाउट द करेंट प्रोनाउंसिएशन और यूसेज, वी आर रिप्लाइंग इन आर ओन मदर टंग, दिस इज ऑल्सो बिहेवियरिज्म। कि कई बार जो लैंग्वेज हम लर्न करते हैं उससे हमारे बिहेवियर पे फर्क पड़ता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वी डोंट नो इंग्लिश, हमें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, हमें केवल हिंदी आती है, ठीक है। हम हिंदी लिटरेचर पढ़ते हैं, तो हमारे आज जो हम इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट होके बिहेव कर रहे हैं, हमारे हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट होने के बिहेवियर जो होता वो अलग होता। अगर हमने फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ रखी होती, हम उसके चीज़ों को समझ रहे होते, तो उस लैंग्वेज का, वहाँ के कल्चर का कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर पे फर्क आता। अगर हम जर्मन लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वहाँ की जो कल्चरल चीज़ें हमारे अंदर लैंग्वेज के साथ साथ उतरती हैं, उसका हमारे बिहेवियर पे फर्क पड़ने लगता है, दिस इज कॉल्ड बिहेवियरिज्म। इस पे आते हैं कि लाइक व्हाट इज द रिवॉर्ड थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म, व्हाट इज द रिवॉर्ड कॉन्सेप्ट। जैसे कि एक बच्चे ने लैंग्वेज सीखा एंड इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, और उसने बोला अपनी मदर को मिल्क, और उसकी मदर ने मिल्क दे दिया, तो दैट इज अ काइंड ऑफ बिहेवियरल की ही विल गेट एनकरेज टू लर्न द लैंग्वेज, क्योंकि उसको लगा कि मैंने कुछ सीखा, मैंने बोला, मुझे वही चीज मिल गई एज अ रिवॉर्ड, तो दैट मीन्स आई एम करेक्ट एंड आई हैव बीन एनकरेज कि अब मैं और कुछ बोलूंगा तो मुझे वो भी मिलेगा, तो वो एक तरीके से उसको रिवॉर्ड मिला है एक चीज सीखने का। सिमिलरली जब हम बड़े हो जाते हैं, हम इसी तरीके से इंटरेक्ट करते हैं और हमें उसका रिप्लाई मिलता है, तो हम उसको अपने बिहेवियर में लेकर आते हैं, दिस इज बिहेवियरिज्म। अब इसमें ये पूछा जा सकता है कि व्हेन अ पर्सन इज लर्निंग अ लैंग्वेज तो उससे उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में कैसे काम होगा। इसमें जो मेन क्वेश्चन आएगा वो इस पे आएगा, एल एस आर डब्ल्यू, ठीक है। एल एस आर डब्ल्यू क्या है, लर्निंग स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग स्किल, ये आपके बिहेवियरिज्म है। जब आप एक लैंग्वेज में एंटर करते हो तो आप कौन से लेवल पे हो, आपको सुनके समझ में आ जाता है, फिर आप बोलने भी लगते हो, फिर आप उसको पढ़ के समझ लेते हो, फिर आप लिखने भी लगते हो। दीज आर द फोर स्टेजेस, सो दिस कम्स एज अ पार्ट ऑफ बिहेवियरिज्म। इसमें अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं कि ये थ्योरी किसकी है, इस थ्योरी को प्रोपाउंड किसने करा है, इसमें जो आपके कॉन्सेप्ट है वो क्या है, करेक्ट अटरेंस एंड are positive in force and the child realizes communicative value of the word and phrase. जब एक बच्चा किसी भी words को clear बोलने का value समझता है, तब वो उसे ज़्यादा interest के साथ सीखने लगता है. This is behaviorism. When you start understanding a language, there comes a change in your behavior toward the language. You become more interested in it because somehow when people give you reply or reward to that, that is a kind of reward to your क्या कहते हैं, efforts to learn a language, ठीक है। आप जब एक language को learn करते हो और आपको उसी से उसी के according जवाब मिलने लगते हैं, तो that you think is a kind of reward, वो आपके लिए एक prize का काम कर रहे हैं, एक reward का काम कर रहे हैं कि हाँ मैंने ये चीज करी तो मुझे इसके responses मिल रहे हैं, that is a kind of reward, तो आपका behavior उस language के लिए change हो जाएगा,
और आप उसको सीखने के लिए और कोशिश करोगे, तो इस तरीके से एक इंसान मल्टीपल लैंग्वेज सीख लेता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, इफ अ चाइल्ड इज इफ अ चाइल्ड हैज रीच्ड टू द स्टेज ऑफ स्पीकिंग अ लैंग्वेज करेक्टली एंड हाउ ही विल गेट द एनकरेजमेंट टू लर्न इट टू अनदर लैंग्वेज बाय गेटिंग द रिवॉर्ड और रिस्पॉन्सेज दैट इज दोनों करेक्ट है। ठीक है, असर्शन रीजन टाइप बता रही हूँ जो सबसे मुश्किल होता है। ठीक है, अगर उसमें नहीं है तो अगर उसका कुछ और रिप्लाई दे रखा है तो गलत हो जाएगा। इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन तो ये बताया, ये पूछा जाता है कि इसका परफॉर्म किसने किया था, स्किनर ने करा था। ये कौन सी लैंग्वेज लर्निंग के लिए होता है, सेकंड लैंग्वेज लर्निंग के लिए होता है। ठीक है, वैसे इसको फर्स्ट और सेकंड दोनों लैंग्वेज लर्निंग के लिए बोलते हैं, लेकिन ये मेनली सेकंड लैंग्वेज लर्निंग के लिए ज्यादा इफेक्टिव होता है। गॉट इट? अगर उसको रिवॉर्ड मिलता है या रिप्लाई मिलता है अपनी बात का तो वो इनकरेज होता है। हाँ ठीक है, तो बाकी आप इसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अब आता है तीसरा, द रेशनल फ्रेम थ्योरी। रेशनल फ्रेम थ्योरी किसकी है, हेज, बार्नहोल्म और रोश की। इन तीन लोगों ने इस थ्योरी पे काम करा। बेसिकली क्या है रेशनल फ्रेम थ्योरी, रेशनल फ्रेम थ्योरी भी स्किनर की बिहेवियरिज्म थ्योरी से ही बेस्ड है। ये भी यही कहते हैं कि जब एक बच्चा दैट अ चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज प्योरली, व्हेन अ चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज प्योरली थ्रू इंटरैक्टिंग विद द एनवायरनमेंट व्हिच चैलेंजेस द नोशन ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन कैपेबिलिटी इन चिल्ड्रन इज इननेट। बच्चों में ये कैपेबिलिटी बाय बर्थ होती है, और जब वो इस चीज को एक्वायर कर लेते हैं, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से अच्छे से इंटरेक्ट करने जाते हैं, तो दैट गिव्स अ रेशनल फ्रेम। बेसिकली वो एक रिलेशन मेंटेन करना सीखते हैं, सोशल रिलेशन बनाते हैं, एक बिहेवियर रिलेशन बनाते हैं, अलोंग विद दैट दे बिकम कॉन्फिडेंट एंड लाइक आप क्या बोलोगे उसे, दे आर यूजिंग देयर इनेट पावर्स प्रॉपरली। ठीक है, जितनी चीजों को वो सीखते हैं, बोलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, सोसाइटी से, दैट गिव्स अ रेशनल फ्रेम थ्योरी, रिलेशनल फ्रेम, कि वो उस लैंड से, उस लैंग्वेज से, उन लोगों से रिलेशनल, मतलब दे फील रिलेटिव, कि हम रिलेटेड हैं इसी चीज से, हम कोई अलग नहीं है और ये कोई अलग नहीं है, वी ऑल आर सेम। ठीक है, तो दैट इज रिलेशनल। रिलेशनल मीन्स कि एक रिलेशन बनता है जस्ट फ्रॉम जस्ट बाय लैंग्वेज। ठीक है, हाँ बस ये बिहेवियरिज्म को सपोर्ट कर रहा है। नहीं, तीन का, हेज, बार्नहोल्म्स एंड रोश, ये तीन है, और स्किनर जो है वो बिहेवियरिज्म के अलग है। ठीक है, अब आते हैं जनरेटिविज्म। जनरेटिविज्म इज नॉम चॉम्स्की थ्योरी है। जैसे उन्होंने इनेटनेस की थ्योरी दी कि एक चाइल्ड बाय बर्थ चीजें सीखता है, ऐसे ही जनरेटिविज्म में वो कहते हैं कि अगर एक बच्चे को पैदा होते ही ऐसे जगह पे रख दिया जाए जहां पे कोई लैंग्वेज नहीं है, तो वो अपनी लैंग्वेज अपने आप जनरेट भी कर लेते। ठीक है, That is, he pointed out the poverty of stimulus for acquiring a language. कहते हैं कि एक लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए, एक लैंग्वेज सीखने के लिए किसी को स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। एक इंसान को अगर अकेले भी छोड़ दिया जाए, वो ऐसे माहौल में हो जहाँ लैंग्वेज नहीं हो, कोई बातचीत ना कर रहा हो, तो जितनी चीजें वहां है वो उनके हिसाब से अपनी खुद लैंग्वेज डेवलप कर लेता है। गॉट इट? हाँ हाँ ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे जनरेटिविज्म के साथ क्या निकाला टर्म, जनरेटिव ग्रामर। जनरेटिव ग्रामर क्या है, वो ग्रामर जो बच्चों को सिर्फ एक लैंग्वेज सीखने में मदद करेगी। देयर इज नो पर्टिकुलर ग्रामेटिकल रूल्स आर बीइंग फॉलोड, बट दिस इज द बेसिक आइडिया टू राइट एंड टू वर्क ऑन अ लैंग्वेज। ठीक है, जेनेटिक नहीं, जनरेटिव मतलब प्रोड्यूस करना, अपने आप प्रोड्यूस, जनरेट करना। ठीक है, फिर इनका दूसरा कॉन्सेप्ट आता है यूनिवर्सल ग्रामर का। अब यूनिवर्सल ग्रामर क्या है, यूनिवर्सल ग्रामर एक बायोलॉजिकल ग्रामेटिकल कैटेगरी के अंदर इन्होंने क्रिएट करी है। ये भी नॉम चॉम्स्की की थ्योरी, हर लैंग्वेज की अपनी ग्रामर होती है, लेकिन देयर इज अ यूनिवर्सल ग्रामर जो सभी लोग फॉलो करते हैं लैंग्वेज। तो बिना ग्रामर के सबसे पहले लैंग्वेज सीखी जाती है, उसके बाद बच्चा रूल्स में बनेगा। ही टॉक्ड अबाउट द इनबॉर्न क्वालिटी ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज, उसने कहा वो अपने आप रूल्स बना लेगा, लेकिन सबसे पहले उसे बायोलॉजिकल तरीके से, नेचुरल तरीके से चीजें सीखनी चाहिए। अगर एक बच्चे को ये पता लग गया कि ये वर्ड नाउन है, ये वर्ड वर्ब है, तो वो अपने आप उन्हें सेंटेंस फ्रेज में डालने लगे। ठीक है, हाँ अब ये आता है आपका
जॉन शूमन का अ कल्चरल मॉडल। अ कल्चरल मॉडल क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन मॉडल है, जिसमें ही सेइंग कि इमिग्रेंट माइग्रेंट जो माइग्रेटेड वर्कर्स होते हैं, जब लैंग्वेज का टेस्ट नहीं होता था तो वो कैसे करते, देख देख के चीजें पहचान पहचान के सीख जाते थे, है ना। तो अ कल्चरल मॉडल का मतलब है, अकल्चरेशन मॉडल का मतलब है जहां आप रहते हो वहां के कल्चर को एनी हाउ धीरे धीरे एक्सेप्ट करो, चाहे वो लैंग्वेज है, चाहे रहने का तरीका है, चाहे खाना पीना, ठीक है। ये टर्म्स ध्यान रखना, जॉन शूमन की अकल्चरेशन मॉडल 1978, दैट्स इट। फिर यहाँ पर आता है एक्विजिशन शेड्यूल। लैंग्वेज एक्विजिशन किस तरीके से काम करती है? फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन तो इनेट होती है, जैसे जैसे हम सुनते हैं वैसे वैसे सीखते जाते हैं, इसमें कोई नई चीजें नहीं आती है कि हम उनको अप्लाई करके सीखे। ओ शिट, मेरे यहाँ लाइट चली गई। हेलो हेलो हेलो, गया कनेक्शन।